हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज बनाने जा रहे हैं बहुत ही प्यारा और खूबसूरत सा डिज़ाइन का डोरमेट। तो वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, हमने दो प्रकार की ऊन लिए, हमने ऊन लिया है डबल फोल्ड किया है, और ये साड़ी से हमने 1 इंच की पट्टियाँ कट की हैं, इसी से हम डोरमेट बनाएंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस प्रकार से हमने फंदे डाल लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये हमने 11 फंदे डाले हैं, इसी से हम डिज़ाइन बनाएंगे। आप जितना चाहे ना छोटा बड़ा बना सकते हैं। आप कम से कम इसमें 40 फंदे का बनाए तो काफ़ी बड़ा डोरमेट बन के रेडी होगा, और प्रोसेस जो है सेम ही रहेगा। देखिए इस तरीके से, सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम यहाँ से लगाएंगे इस तरीके से वाइट कलर, 1 और 2, दो फंदे हमने वाइट से बुने और यहीं से पलट लेंगे, इस तरीके से पलट लेंगे। यहाँ पे देखिए इस तरीके से 1, और यहाँ से पलट लेंगे, सीधी साइड से लेंगे 2। तो देखिए इस तरीके से, अब यहाँ पे हम वाइट को इस तरीके से देखिए, अब किनारे का फंदा हम उतार लेंगे और नेक्स्ट फंदे से 1 2, और इसे करेंगे आगे साइड, यहाँ पे 1 2, और फिर से हम पलट लेंगे इस तरीके से। देखिए यहाँ से हम पलट लेंगे, इस तरीके से 1 2, और इस धागे को करेंगे आगे साइड, और वाइट को हम करेंगे देखिए यहाँ पे, ब्लैक को पीछे कर दिया और वाइट को हम आगे करेंगे 1 2, और यहाँ से हम पलट लेंगे। पलटने के बाद देखिए इस धागे को उतारेंगे नेक्स्ट धागे से 1, और इसे आगे साइड करेंगे 1 2, और यहाँ से देखिए 1 2, तो हम ब्लैक से बुनेंगे और यहीं से हम पलट लेंगे। पलटने के बाद देखिए यहाँ से 1 2, और यहाँ से पलट देंगे, ब्लैक को हम आगे लेंगे 1 2, और यहाँ से पलट देंगे 1, और सीधी साइड से लेंगे इसको, और यहाँ से हम पलट देंगे। देखिए यहाँ से इस वाइट को उतारेंगे नेक्स्ट फंदे से 1, और इसे आगे साइड करेंगे ब्लैक को 1 2। देखिए अब वाइट को हम वाइट से बुनेंगे। अब देखिए यहाँ पे फिर से हम ब्लैक से 2 फंदे बुनेंगे 1 और 2, यहाँ से हम पलट लेंगे इस तरीके से। देखिए कंप्लीट ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा, अगर स्किप करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। इस तरीके से देखिए, अब यहाँ पे 1 2 पलट देंगे, और यहाँ से हम वाइट को आगे लेंगे यहाँ पे 1 2 पलट दिया, और यहाँ से देखिए अब ब्लैक को हम आगे की साइड लेंगे 1 2, फिर से पलट देंगे, वाइट को आगे लेंगे यहाँ से, और 1 2, इस तरीके से देखिए यहाँ पे पलट देंगे। अब इस वाइट को उतारेंगे 1 2 3 4, और यहाँ से ब्लैक को वाइट को वाइट से बुनेंगे 1 2, और 1 2, और यहीं से हम पलट लेंगे देखिए इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ से ध्यान से देखिएगा, इस रो को ऐसे ही बनाएंगे, आगे की कंप्लीट रो दिखाएंगे। अब देखिए यहाँ से 2 ब्लैक, और यहाँ से अब 2 वाइट, यहाँ से 1 और 2 वाइट, इस तरीके से हम बुने, और यहाँ से हम पलट लेंगे। पलटने के बाद देखिए इस तरीके से वाइट को बुनेंगे यहाँ से, देखिए यहाँ से अब हम क्या करेंगे, इस जो वाइट है हमारा इसे हम वो आगे की साइड करेंगे, और यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9
दस, और देखिए लास्ट वाला फंदा इसे भी हम ब्लैक से बुनेंगे इस तरीके से, और यहीं से हम पलट लेंगे इस तरीके से, और इसे उतारेंगे नेक्स्ट धागे से, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, और इसे पलट देंगे दस। देखिए अब यहाँ से पलट दिया, फिर से हम यहाँ से उतारेंगे एक दो, तो इस रो को कंप्लीट देखेंगे तभी समझ में आएगा, स्किप करेंगे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, तो स्किप ना करें, यहाँ पे ध्यान से देखें। तो देखिए यहाँ से आप देखिए नीचे की साइड हम दो फंदे छोड़ेंगे और यहीं से हम पलट लेंगे इस तरीके से। देखिए पलट लिया, दो फंदे छोड़ते हुए हमने ऊपर की साइड को पलट लिया यहाँ से, देखिए इस तरीके से, और बहुत ही प्यारा बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन है, तो कंप्लीट देखेंगे तो समझ में आएगा। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे हम बुनाई करेंगे, यहाँ से पलट लेंगे, और देखिए इस तरीके से अब इस फंदे को उतारेंगे नेक्स्ट धागे से, इस तरीके से बुनाई करेंगे। देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात, और दो यहाँ पे छोड़ देंगे और यहीं से फिर से हम पलट लेंगे। देखिए इस प्रकार से पलट लेंगे, और यहाँ से देखिए एक दो तीन चार पाँच छः, और यहाँ से सीधी साइड, अब देखिए यहाँ से इस तरीके से एक उतारा नेक्स्ट फंदे से, एक दो तीन चार, और यहाँ से हम पलट लेंगे। पलटने के बाद देखिए यहाँ से फिर से हम एक दो तीन चार, और पलट देंगे सीधी साइड से लेंगे इस तरीके से। देखिए यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे एक उतारा और दूसरे फंदे से एक दो, दो फंदे हमने बुने और यहाँ से पलट लिया। पलटने के बाद एक दो, और देखिए यहाँ से सीधी साइड लिया और पलट लिया। पलटने के बाद देखिए यहाँ से इस धागे को उतारेंगे, ठीक है। यहाँ से देखिए अब हम इस रो को हमने कंप्लीट किया, अब यहाँ से देखिए इस धागे को, अब हमारे यहाँ पे लास्ट में कितने बचते हैं, तीन फंदे बचते हैं, तो यहाँ पे इस धागे को हमें बुनना नहीं है। यहाँ से देखिए एक और दो, दो बुनेंगे और यहीं से हम पलट लेंगे। देखिए इस तरीके से पलट लिया एक, और वाइट को हम फिर से वाइट से बुनेंगे इस तरीके से। देखिए यहाँ पे बुना और यहाँ से हम पलट लेंगे इस तरीके से, फिर से हम वाइट को वाइट से बुनेंगे, और यहाँ से देखिए अब यहाँ पे एक और दो, देखिए दो फंदे, तीन फंदे हमारे बचे थे तो जो दो दो छोड़ रहे थे उसमें का हम एक लेंगे और यहीं से पलट लेंगे। देखिए यहाँ से पलट लेंगे, अब देखिए कितना अच्छा खूबसूरत सा डिज़ाइन बनेगा, अभी दिखाते हैं। देखिए इस तरीके से, और यहाँ से पलट लेंगे, अब यहाँ से हम वाइट को आगे की साइड करेंगे एक, और देखिए यहाँ पे सीधी साइड से लेंगे और पलट देंगे इस तरीके से एक, और यहाँ पे देखिए दो तीन, और यहाँ पे एक दो, दो बुनेंगे और यहीं से हम पलट लेंगे इस तरीके से एक दो, और सीधी साइड से लेंगे एक दो, पलट लेंगे, वाइट को हम वाइट से बुनेंगे इस तरीके से एक दो, देखिए यहाँ पे एक, और ब्लैक को ब्लैक से इस तरीके से एक दो, और यहाँ पे वाइट को एक दो, अब देखिए यहाँ पे एक और दो, बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन है, एकदम लुका छुपी जैसा डिज़ाइन है। तो इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन बनके रेडी होगा। देखिए यहाँ से अब पलट लेंगे, अब ये यहाँ से फिर से हम ब्लैक को ब्लैक से बुनेंगे इस तरीके से। देखिए यहाँ पे
पलट देंगे और ब्लैक को वाइट को अब वाइट से बुनेंगे, एक दो, और यहाँ से पलट देंगे ब्लैक से बुनेंगे, एक दो, पलट देंगे वाइट से बुनेंगे इस तरीके से, देखिए यहाँ पे एक, और देखिए इस तरीके से यहाँ पे पलट देंगे। अब देखिए इस तरीके से हमारे डिज़ाइन एक कली ये बन गई, एक ये बन गई। अब देखिए इसको दिखाते हैं कंप्लीट बना के, फिर दिखाते हैं। तो देखिए ये हमने कंप्लीट डिज़ाइन बना के रेडी कर ली इस तरीके से, देखिए यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमारी डिज़ाइन ये कंप्लीट हो गई। तो आपको ये डिज़ाइन अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखिए इस तरीके से हम बनाएंगे तो बहुत ही खूबसूरत सा षटकोण डिज़ाइन बनके रेडी हो जाएगा।